मुख्यमंत्री मनोहर लाल का करनाल दौरा है आज, बड़ी जानकारी बता रहे हैं। राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में शिरकत करेंगे। डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में ये बैठक होने वाली है। आत्मा योजना से संबंधित कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का उद्देश्य है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का करनाल दौरा है आज। इससे पहले आपको ये बता दें कि सीएम मनोहर लाल गुरुग्राम में भी थे। हालांकि उनका ये दौरा अपने आप में काफी खास रहा। अब ये भी माना जा रहा है कि जब सीएम मनोहर लाल करनाल पहुंचेंगे तो उनका करनाल जाना, यानी कि यूं समझ लीजिए आपकी करनाल वासियों के लिए एक बड़ी सौगात भी साबित हो सकता है, क्योंकि राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम शिरकत करने वाले हैं। साथ ही साथ डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में ये बैठक भी होने वाली है। आत्मा योजना से संबंधित कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का उद्देश्य भी रखा गया है। तो मेरे सहयोगी लक्ष्य वर्मा जुड़ गए हैं करनाल से। लक्ष्य, जानकारी चाहूंगी आपसे, करनाल दौरा है सीएम मनोहर लाल का, तो करनाल वासियों को क्या कुछ सौगात मिल सकती है, कितना खास समझा जाए सीएम का ये दौरा? लक्ष्य, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी लक्ष्य, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ओवर टू यू। बिल्कुल, बात की जाए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज करनाल करनाल दौरे पर होंगे और कहीं ना कहीं विशेष कई कार्यक्रम करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के रखे गए। जैसे जानकारी जो सामने आई है, करीबन 11 बजे मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल में पहुंचेंगे और साथ साथ मुख्यमंत्री के साथ जो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल वो भी उपस्थित हो सकते हैं। करनाल में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया है, किसानों के साथ बातचीत के लिए उन्होंने एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसके बाद करीबन वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद करीब 1 बजे करीब जो मुख्यमंत्री और जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल और साथ साथ जो जेपी दलाल है कृषि मंत्री, वो कहीं ना कहीं मीडिया से बातचीत करेंगे और संबोधित करेंगे क्या कुछ उनका आज का विशेष कार्यक्रम रहा। ठीक है लक्ष्य, अगर बात की जाए प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया है, तो इसे किस तौर पर देखा जाए? बिल्कुल, जिस तरीके से प्राकृतिक खेती पर एक पॉइंट जरूर रखा गया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हरियाणा न्यूज भी इस विषय को बार बार उठा भी रहा है और जिस तरीके से कल भी विस्तार से अपने ये खबर दिखाई भी दी और बात की जाए जिस तरीके से प्राकृतिक खेती को लेकर कहीं ना कहीं सरकार अब जागरूक है, क्योंकि जिस तरीके से वाटर लेवल को की बात करें कहीं ना कहीं जो हमारा जो जो आने वाले समय की पीढ़ी है उनके लिए पानी का जो लेवल है उसको उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान देते हुए कहीं ना कहीं ये सरकार योजनाएं लेकर आ रही है, कहीं ना कहीं उसको लेकर भी आज विशेष रूप से किसानों द्वारा चर्चा की जा सकती है। ठीक है लक्ष्य, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।